हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो ये होने वाली है हमारी जो लास्ट ऑफ अस 2 और रीमास्टर के बीच में जो बात है, वो कैसे अपन इसको कर सकते हैं बाय या फिर अपग्रेड। दोस्तों अब क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास PS5 की, मतलब लास्ट ऑफ अस 2 की गेम की CD नहीं है दोस्तों, और आप चाहते हो कि, मतलब PS4 वाली गेम की CD नहीं है लास्ट ऑफ अस 2 वाली, तो आप PS5 में ही बाय करें, क्योंकि 4 का बाय करके कोई ज़्यादा खास तो है नहीं, और क्योंकि उसमें जो कुछ नए मोड्स आए हैं तो वो भी आप नहीं खेल पाएंगे, और अब 3000 देकर तब आप वर्थित हैं कि आप PS5 का ख़रीदें, और आपके पास PS5 भी है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो PS4 वाला ही आप गेम ख़रीद सकते हैं, आपको सस्ता भी पड़ेगा, और बस उसमें जो नया मोड्स आए हैं वो आप खेल नहीं पाएंगे। बाकी ग्राफिक वाइज में अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपके पास डिजिटली आपने ख़रीदा हुआ है लास्ट ऑफ अस 2 को PS4 पे या PS5 पे, तब भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप सोचो कि रीमास्टर यार फिर से हमको 3000 रुपये देने पड़ेंगे या वो करना पड़ेगा, तो नहीं दोस्तों। अगर आपके पास डिजिटली ऑलरेडी है लास्ट ऑफ अस की, डिजिटली आपके पास है दोस्तों, तो आपको सिर्फ 500 रुपये में ख़रीदना होगा रीमास्टर के लिए, आपको सिर्फ 500 रुपये पे करने होंगे अगर आपके पास डिजिटली है तो। और अगर आपके पास डिजिटली नहीं है दोस्तों, आप जो आते हैं, मतलब डिस्क वाले बोले अरे यार हमें क्या ख़रीदना पड़ेगा, हम तो 3000 का क्या करें, ये तो फिज़िकल वालों के लिए बेस्ट है जो उनको PS4 का उन लोगों ने ख़रीदा हुआ है लास्ट ऑफ अस 2, और उनको अपग्रेड करने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ। तो दोस्तों उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास PS4 गेम, मतलब PS4 का लास्ट ऑफ अस 2 है, फिज़िकली हो या डिजिटली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपको खाली 500 रुपये ही पे करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट आपके पास PS4 की जो गेम की CD है, आप अगर नहीं लगाते अपने PS5 में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे उसमें कहीं भी इंस्टॉल्ड नहीं है दोस्तों, और उसके बाद मैं अगर बाय करना चाहता हूँ लास्ट ऑफ अस 2 का रीमास्टर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ये लिखा है द लास्ट ऑफ अस 2 PS5 के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 3000 रुपये, 3000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया लास्ट ऑफ अस द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का रीमास्टर कितना दिखा रहे हैं दोस्तों, 3000 रुपये, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ, यही चीज़ इसको 500 रुपये में कैसे बदल सकते हैं, मैं इसको जादू दिखाता हूँ। मेरे पास डिजिटल कोई गेम नहीं था लास्ट ऑफ अस 2 का PS4 में, मैंने डिक्स खरीदी थी, थोड़ा सस्ते से ख़रीद ली थी, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको 500 रुपये में कैसे बदलते हैं, ठीक है दोस्तों, देखते जाना आप लोग, इसको 500 रुपये में अभी चुटकियों में बदलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रीड कर लिया इसने, और यहाँ पे लिखा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा PS4, ठीक है, लेकिन और यहाँ पे दिखा रहा होगा प्लेड 46 आवर्स, जबकि मैंने नहीं, मतलब PS4 पे खेला है, PS5 में नहीं खेला, और यहाँ पे ये ट्रॉफीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे दिखा रहा है आपको राइट हैंड साइड में 500 रुपये का अपग्रेड करने के लिए, और चलिए वहाँ भी छोड़ दें, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं प्ले स्टेशन स्टोर पे और यहाँ से क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखो, जहाँ ये दिखा रहा था 3000 रुपये, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3000 रुपये, ऐसे ही इस साइड दिखा रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, और अब दिखा रहा है 500 रुपये, ठीक है, 3000 भी दिखा रहा है और 500 रुपये भी दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास डिस्क था, ठीक है, तो हमने जैसे ही डिस्क लगाई
सीधा इसने बोला 500 रुपए का अपग्रेड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे चलिए अपग्रेड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट ऑफ अस 2 का रीमास्टर्ड दिखा रहा है और ये अपन को नो कंटेंट वाला भी दिखा रहा है। तो आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे खेलोगे तो आप दोनों ही, लेकिन हम यहाँ पे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाउनलोडिंग के लिए हो चुका है स्टार्ट, तो इसे फटाफट से स्टार्ट डाउनलोड पूरा होने देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड हमारा हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले नाउ। तो प्ले नाउ करने से पहले मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो हमने सीडी डाली थी इसको अगर हम इजेक्ट कर देते हैं, मतलब सीडी को निकाल देते हैं, हम नहीं करना चाहते हम इसको इंस्टॉल, तो क्या हम इसको रीमास्टर को खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, या हमको सीडी ही डालनी पड़ेगी PS4 की। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पर दिखा रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी दिखा रहा है और प्ले गेम दिखा रहा है, तो हम इसको प्ले गेम पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, वो तो मैं देखना शायद भूल ही गया था, एक चीज़ और हो रही है शायद, उसके बाद मे बी हम लोग खेल पाएँ। अब ये पता नहीं क्या है, शायद उसी का कुछ वर्जन है या फिर जो गेम है वो है कि हमको मतलब गेम की सीडी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये होने वाली है कंप्लीट, पता नहीं ये क्या है, गेम है या उसी का कोई वर्ज़न है DLC टाइप, मतलब उसी में जो ऐड ऑन किया था वो है, पता नहीं, लेकिन जो भी है इसको एक बार डाउनलोड हो जाता है ये कंप्लीट, फिर देखते हैं कि अपन लोग खेल पाते हैं गेम को या फिर नहीं। जादू से हमने 3000 को 500 रुपये में बदल तो दिया था, लेकिन देख पाते हैं क्या बिना CD के खेल पाते हैं PS4 की बिना CD के, या हमें PS4 वाली गेम की CD डालनी ही पड़ेगी। देखते हैं आगे। तो ये हो चुका है कंप्लीट दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या हम गेम ऑन कर पाते हैं या नहीं। नहीं दोस्तों, हम गेम को नहीं एक्सेस कर सकते जब तक हम PS4 का गेम नहीं डाल लेते, मतलब गेम की CD, तब तक हम देख लिए इंसर्ट द PS4 गेम की CD बोल रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे डाल लेते हैं हमारे PS4 की गेम की CD और देखते हैं फिर जादू कुछ हो फिर चलता है या नहीं। तो यहाँ पे इसने ले लिया है और अब देखते हैं दोस्तों। ओ चल गया भाई साहब, देख रहे हो दोस्तों आप, ये चल चुकी है PS4 गेम की CD मैंने डाली और यहाँ पे रीमास्टर्ड चालू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा था PS5 के लिए,
रैग्नारॉक में भी ऐसे ही रखा था, स्पाइडरमैन में भी ऐसा ही था, तो ज़बरदस्त था मतलब। और जो अपना DLC आया था रैग्नारॉक का, उसमें भी सेम था बैकग्राउंड, तो मस्त लगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और हम मेन स्टोरी पे नहीं जाते दोस्तों, हम मेन स्टोरी बाद में खेलेंगे, फ़िलहाल हम अभी नो रिटर्न पे क्लिक करेंगे, जो उसका नया है, जो नई चीज़ें डाली गई हैं वो देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसको ये करेंगे, बाकी बाद में स्टार्ट करेंगे अपना मेन स्टोरी कि PS5 में भी कैसा दिखता है, क्या हमें वही PS4 वाले ग्राफिक दिखने को मिलेंगे या फिर जो PS5 के लिए बने हैं रीमास्टर वो वाले दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो जैसा जैसा हम इसको पॉइंट्स को मतलब ये हार्डनेस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे दोस्तों, जितनी हार्डनेस अपन बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हम मॉडरेट कर देते हैं, और यहाँ पे ओके एली अगर हम पर लेते हैं तो डीना अनलॉक होगी, ओके, और फिर डीना से अनलॉक होगा जेसी, और जेसी से होगा टॉमी से होगा जो, ओके, और एबी से करने पर होगा ये लीव, यारा, मेल और मेनी, ओके, हाँ ये भी वैसे मर गया था, और ये भी मर गई थी यारा, ओके। तो हम सबसे पहले एली ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, वो वाली फील आएगी जो हमने लास्ट ऑफ अस वाले में मज़ा लिया था, मतलब जो पहला पार्ट था उसमें मज़ा आएगा दोस्तों। ओके माय टर्न, तो दोस्तों हमने पहला ही कर लिया, क्योंकि और बाद में देखेंगे, बस दो ही और अनलॉक थे वैसे, तो हमने पहला वाले से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, गन बहुत कम है, अरे तेरी, अरे अभी 2 सेकंड तो रुक जाता, गन तो लेने देता। अरे रे रे रे, ये इधर से मार रहा है, गोली किधर से पड़ी थी? ओ भाई क्या ही मारा है, एक बार में उड़ा दिया। से आएंगे, अरे हाँ बच के ऑलराइट गो, आई गॉट यू सिक्स।
on it. अरे तेरी अरे तेरी नीचे है खाली ये कोना सही मिल गया है मेरे को अरे किधर गया बच गया I know you're out there. Now where'd you go? हो गया भाई साहब पहला मेरा कंप्लीट हो गया चैलेंज तो मेरा फर्स्ट चैलेंज दोस्तों कंप्लीट हो गया है मेरे को वो कोना बहुत सही मिला था बी मिला तब भी मुझे डी ना अनलॉक हो चुकी है दोस्तों और ये कंप्लीट थ्री एनकाउंटर विथ मोट ये वाला भी कंप्लीट हो गया है हमारा ये क्या है लूटना ओके ये हमें इनाम में मिला है क्या लेना चाहिए शॉटगन शॉटगन ही लेते हैं
ये टीना की फोटो क्यों लगी है यहाँ पर? टीना के साथ खेलना है क्या यहाँ पे? यहाँ पे लास्ट में है बॉस फाइट। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए बाद में देखते हैं। अभी तो सिर्फ आपको दिखा रहे थे कि 500 रुपये में मैजिक कैसे मिल सकता है अगर आपके पास डिक्स वाला वर्ज़न है तो भी, और डिजिटल है तो उनके लिए तो 500 का है ही। तो चलिए, वो भी हाँ इंस्टॉल होगी ना आपकी गेम तो ही मेरे ख्याल से 500 रुपये दिखाएगा, वरना वही 3000 रुपये दिखाएगा अगर आपके में PS5 में इंस्टॉल नहीं होगी तो। तो चलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेटिव मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।